हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.5 जो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से होगा। और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस एक्सरसाइज किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट में या फिर उसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी इसको करना क्या है, तो बोला जा रहा सॉल्व द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन, यानी जो भी मेरे पास लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है उसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यदि देखें, एक्स बाई टू माइनस वन बाई फाइव इक्वल टू एक्स बाई थ्री प्लस वन बाई फोर, इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमें बताना है एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल सा बटापर का घटाव होगा, फाइव और टू का एलसीएम हम लेंगे तो टेन हो जाएगा। टू के टेबल में टेन फाइव बार में होता है यानी फाइव एक्स हो जाएगा। माइनस फाइव के टेबल में टेन टू बार में होता है और टू में वन से मल्टीप्लाई कराएंगे टू इक्वल टू, यहाँ पे थ्री और फोर का एलसीएम लेंगे तो ट्वेल्व, थ्री के टेबल में ट्वेल्व फोर बार में होता है यानी हो जाएगा फोर एक्स, प्लस फोर के टेबल में ट्वेल्व थ्री बार में होता है यानी थ्री में वन से करेंगे तो थ्री। अगेन इस टर्म को हम क्रॉस मल्टीपल करा लेंगे, क्रॉस मल्टीपल इस तरीके से होता है, ये वाला टर्म इससे और ये वाला टर्म इससे, यानी पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, लिख लेते हैं ट्वेल्व इंटू फाइव एक्स माइनस टू और ये हो जाएगा टेन इंटू फोर एक्स प्लस थ्री। ट्वेल्व में फाइव से मल्टीप्लाई कराएंगे सिक्सटी एक्स माइनस ट्वेल्व में टू से मल्टीप्लाई कराएंगे ट्वेंटी फोर इक्वल टू, टेन में फोर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा फोर्टी एक्स प्लस टेन में थ्री से कराएंगे थर्टी। अगेन सिक्सटी एक्स और ये प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस में फोर्टी एक्स इक्वल टू थर्टी, ये माइनस में है इस तरफ जाएगा तो प्लस में ट्वेंटी फोर, यानी सिक्सटी एक्स में से फोर्टी एक्स को जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ट्वेंटी एक्स इक्वल टू थर्टी और ट्वेंटी फोर, ये हमारा हो जाएगा फिफ्टी फोर, यानी एक्स इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास फिफ्टी फोर बाई थर्टी प्ले है। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा x इक्वल टू फिफ्टी फोर बाई ये 20 मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाए तो डिवाइड में, यानी जब इसको कटाएंगे हम तो ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 10, यानी x का जो वैल्यू है मेरे पास आ जाएगा 27 बाई 10, यही हमारा आंसर होगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बोला जा रहा है n बाई टू माइनस थ्री एन बाई फोर प्लस फाइव एन बाई सिक्स इक्वल टू 21, यानी यहाँ पे हमें n का वैल्यू निकालना है। तो इसमें भी वही करेंगे, हम बटा पर का जोड़ पहले कर लेते हैं, टू फोर सिक्स का एलसीएम निकालेंगे, और यदि आपको निकालने नहीं आएगा तो यहाँ पर देख लीजिए टू फोर सिक्स का एलसीएम निकालेंगे, टू के टेबल से वन ये हो जाएगा टू थ्री, यानी थ्री में टू से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स और सिक्स में टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेल्व, यानी इसका एलसीएम ट्वेल्व हो जाएगा। टू के टेबल में ट्वेल्व सिक्स बार में होता है और सिक्स में एन से मल्टीप्लाई कराएंगे सिक्स एन, फोर के टेबल में ट्वेल्व थ्री बार में होता है और थ्री में थ्री से मल्टीप्लाई कराएंगे तो नाइन एन, सिक्स के टेबल में ट्वेल्व टू बार में फाइव में टू से मल्टीप्लाई कराएंगे टेन एन इक्वल टू ट्वेंटी वन बाई वन हम कर सकते हैं, यानी ये हो जाएगा सिक्स एन, या फिर ऐसे इसको कर लेते हैं, ये और ये दोनों प्लस हैं यानी इनको ऐड कर लेंगे तो टेन और सिक्स हमारे पास हो जाएगा सिक्सटीन एन माइनस नाइन एन बाई ट्वेल्व इक्वल टू ट्वेंटी वन बाई वन। अब हम 16n में से 9n माइनस करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास 7n बाई ट्वेल्व इक्वल टू 21 बाई वन, और इस क्वेश्चन के जैसा ही इसको भी क्रॉस मल्टीपल कराएंगे यानी इसमें इससे और इसमें इससे, तो ये मेरे पास हो जाएगा 7n इक्वल टू 21 इंटू 12, चूँकि 1 में 7n से मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से n इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई 12 बाई 7, चूँकि ये 7 मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में, यानी 7 के टेबल से 21 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, n इक्वल टू 3 इंटू 12 यानी n इक्वल टू 36। तो यहाँ पे मेरे पास n का वैल्यू आ गया, आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है मेरे पास वो है x प्लस सेवन माइनस एट एक्स बाई थ्री इक्वल टू 17 बाई सिक्स माइनस फाइव एक्स बाई टू, यानी यहाँ पे हमें x का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो वन थ्री और थ्री सॉरी वन वन और थ्री का एलसीएम हमारे पास थ्री हो जाएगा, यानी वन के टेबल में थ्री बार में तो ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस वन के टेबल में थ्री थ्री बार में यानी ये हो जाएगा ट्वेंटी वन माइनस थ्री के टेबल में थ्री वन बार में यानी ये हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू सिक्स और टू का एलसीएम हो जाएगा सिक्स, तो सिक्स के टेबल में सिक्स वन बार में यानी ये हो जाएगा सेवनटीन माइनस टू के टेबल में सिक्स थ्री बार में यानी फाइव में थ्री से मल्टीप्लाई कराएंगे फिफ्टीन एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा, चूंकि
ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो 8x में से 3x माइनस करेंगे तो माइनस 5x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 5x बाय 3 इक्वल टू 17 माइनस 15x बाय 6। क्रॉस मल्टीपल कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू 21 माइनस 5x इक्वल टू 3 इंटू 17 माइनस 15x, यानी 6 में 21 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 6 वन जा 6 और 6 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 12, 126 माइनस 30x इक्वल टू 3 में 17 से कराएंगे तो 51 माइनस 45x। अगेन ये माइनस 30x है और ये माइनस में इस तरफ आया तो प्लस में 45x इक्वल टू 51 और ये प्लस में है इस तरफ जाए तो माइनस में 126। तो 45 में से 30x को माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 15x इक्वल टू 126 में से 51 माइनस करेंगे यानी 6 में से 1 जाएगा 5 और 12 में से 5 जाएगा तो 7 माइनस में, यानी x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 75 बाई 15, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5। तो इस तरीके से हमारे पास x का वैल्यू आ गया, आप इसको नोट डाउन कर ले। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है x माइनस 5 बाई 3 इक्वल टू x माइनस 3 बाई 5, तो डायरेक्ट फॉर्म में इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराना होगा, यानी 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे x माइनस 5 से और ये हो जाएगा 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे x माइनस 3 से। तो 5 में x से कराएंगे 5x माइनस 5 में 5 से कराएंगे तो 25 इक्वल टू 3 में x से कराएंगे 3x और 3 में 3 से कराएंगे तो 9, यानी ये हो जाएगा 5x। वेरिएबल टर्म को एक तरफ कर लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 3x माइनस 9 और ये प्लस हो जाएगा 25। 5x में से 3x माइनस करेंगे 2x इक्वल टू माइनस 9 में से 25 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 16, यानी x इक्वल टू 16 बाई 2 एक्स इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 8। यही हमारा आंसर होगा, आप इसको नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है 3t माइनस 2 बाई 4 माइनस 2t प्लस 3 बाई 3 प्लस 2 बाई 3 माइनस टी, यानी पहले LHS वाले टर्म का हम LCM में लेते हैं, 4 और 3 का LCM लेंगे 12 हो जाएगा, 4 के टेबल में 12 3 बार में होता है, यानी 3 इंटू 3t माइनस 2 माइनस 3 के टेबल में 12 4 बार में होता है, यानी 4 इंटू 2t प्लस 3 इक्वल टू इसका LCM हो जाएगा 3 यानी 2 माइनस 3t। अगेन 3 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9t माइनस 2 में 3 से कराएंगे तो 6 माइनस 4 में 2 से कराएंगे तो 8t और प्लस माइनस माइनस हमारा होता है 12 बाई 12 इक्वल टू 2 माइनस 3t बाई 3, यानी 9t में से 8t माइनस करेंगे तो हो जाएगा t और 12 में से 6 माइनस, ये भी माइनस में है ये भी माइनस में, यानी माइनस 18 बाई 12 इक्वल टू 2 माइनस 3t बाई 3। अब अगेन इसको हम करेंगे क्या कि इसको हम क्रॉस मल्टीपल करा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू टी माइनस 18 इक्वल टू 12 इंटू 2 माइनस 3t। 3 में t से मल्टीप्लाई कराएंगे 3t माइनस 18 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 54, 12 में 2 से कराएंगे 24 माइनस 12 में 3 से कराएंगे तो 36t। अगेन ये माइनस में है तो इधर आया तो प्लस में, यानी 3t प्लस 36t इक्वल टू 24 और ये माइनस में इस तरह जाए तो प्लस में 54, यानी दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 39 यानी 39t इक्वल टू ऐड करेंगे 4 4 8 और 5 2 7, यानी टी इक्वल टू हो जाएगा 78 बाई 39 और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो टी इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 2, जो कि यही हमारा आंसर होगा, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।